सम्मानित मंच, नमस्कार देवी और सज्जनों। सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ मीडिया का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना कीमती समय रविवार के दिन भी निकाल कर आए। आज का विषय भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं आप सबके समक्ष आया हूं। भारत की स्वस्थ अर्थव्यवस्था की राष्ट्रनीति, ही मोदी सरकार की शानदार राजनीति का प्रमाण है। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर, सुशासन के नए आयाम स्थापित करके देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और अगले 5 वर्षों के भीतर देश को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट पेश किया है। और अगले 25 वर्षों के अंदर 2047 से पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ये भी पूरा करेंगे। और उसका रोड मैप यहां पर दिखता है। बजट का लोक लुभावना होना यह आवश्यक नहीं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि देश की अर्थव्यवस्था संतुलित और स्वस्थ हो, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो विकसित भारत बनेगा। और अगर आप इस बजट पर एक प्रकाश डालें, 2014 में कांग्रेस का यूपीए के समय जो बजट आया वो 16,65,000 करोड़ का था। आज अगर इसको आप देखेंगे तो 48,21,000 करोड़ रुपये का हो गया। और अगर आप कुछ मंत्रालयों का भी आपस में देखें, पहली बात तो इतनी बड़ी छलांग 10 वर्षों में आना, 3 गुना साइज बढ़ना बजट का। दूसरा, जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी अगर आप पिछले 3-4 वर्षों में देखेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आया। 5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़, और अब 11,11,111 करोड़। मात्र 4 वर्षों में इतनी बड़ी छलांग। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना सरकार का होता है तो उससे जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी आएगा, रोजगार सृजन होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारा आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। और जो विकसित भारत के लिए हमें आधारभूत ढांचा चाहिए वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से मिलेगा। जॉब क्रिएशन तो होगी, डिमांड भी और जनरेट होगी। एक और मैं आपसे यहां पर कहना चाहता हूं, अगर इसके साथ साथ देखिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी इस वर्ष 4.9% रहेगा, 4.9% फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। और अगले साल के लिए हमने 4.5% इसको रखा है, टारगेट किया है। दूसरी ओर जहां इन्फ्लेशन की बात आती, महंगाई की, वो भी स्थिर है, नियंत्रण में है, और इसको 4% लाने का प्रयास है। दुनिया भर के देशों में महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ी, कोविड के टाइम और उसके बाद भी सरकार के प्रयासों के कारण इस पे नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया। अगर मैं कुछ सेक्टर्स को लेके बात करूं, उससे पहले किसी भी देश के लिए उसके फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे हैं वो भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की बन गए, 3रे नंबर की बनने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव ये है कि हमने देश के खजाने को भरा है,